आज विपक्ष के सदस्य श्री गौरव गोगाई जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर सदन में उपस्थित हुए थे, इस पर मैं मेरे विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह, इसलिए इसी अनुच्छेद 75 को प्रतिबिंबित करने के लिए लोकसभा के नियमों के नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया नियत की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, जब से आजाद हुए तब से 27 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए हैं। कई बार सरकारों का बहुमत जाने की स्थिति में सदन के विपक्ष के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। कई बार बड़े जन आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं। एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है, न सदन को अविश्वास है और ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई, अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते हैं।